जय हिंद वंदे मातरम दोस्तों टीवी पर एक साथ एडम सीकर और साहिल भाई जो है वो आए हैं और ये जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, आपको सुनना चाहिए। और क्योंकि इस वीडियो में एक मौलाना है और एक मौलाना के साथ डिबेट में एक तरफ साहिल भाई होंगे और दूसरी तरफ एडम सीकर होंगे। शो की जो होस्ट हैं वो हैं पिनाज, और किस तरह से ये सारा डिस्कशन रहता है और इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आएगा और जब ये पॉइंट निकल के आएगा मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा, बता दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको देखना जरूरी है वीडियो। तो दोस्तों ये डिस्कशन देख लेते हैं। हर किसी को इसका इंतजार था कि एडम सीकर और अपने साहिल भाई एक साथ जो है वो नेशनल टेलीविजन पर आए। तो पहले ये डिबेट देख लेते हैं, उसके बाद अपने विचार, अपने व्यू मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वो है दीन की दावत। इस्लाम में क्या दीन की दावत देना बहुत जरूरी है? दीन की दावत देने का मतलब क्या है? दीन की दावत देना यानी किसी का धर्म परिवर्तन करवाने के लिए उसको एक तरह से उसको धीरे धीरे करके उसका ब्रेन वॉश करना। दीन की दावत को किस तरह से समझा जाए, किस तरह से देखा जाए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहली बार क्या कहता है इस्लाम में साहिल, एक्स मुस्लिम और एक्स मुस्लिम एडम सीकर हमारे साथ, दोनों एक साथ एक मंच पर हैं। बड़े दिनों से हमारे जो तमाम फॉलोअर्स हैं, हमारे जो हमारे यूट्यूब चैनल के फॉलोअर्स हैं, जो हमारे शो के फॉलोअर्स हैं, वो कहते हैं कि दोनों को साथ लाया जाए, तो दोनों को हम साथ लेकर आ रहे हैं। और मुस्लिम धर्मगुरु डॉक्टर सैयद ओशाफ शाह मीर खुर्रम साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले खुर्रम साहब, क्योंकि आप इस्लाम के जानकार हैं, पूरे पैनल में सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, आपसे समझना चाहूँगी कि कुरान हदीसों में क्या दीन की दावत का क्या मतलब बताया गया है? दीन की दावत देना क्या एक मुसलमान का फ़र्ज़ होता है? ये क्या होती है, पहले तो हमें ये समझाएं। देखिए, दीन की दावत जिसको कहा जाता है वो है लोगों को सच्चाई अच्छाई की बातें बताना और बुराई से रोकने की कोशिश करना, इसी को दीन की दावत कहा जाता है। भलाई की बात कहना हर धर्म में सिखाया जाता है, बुराई से रोकने की शिक्षा हर धर्म में दी जाती है। सारे धर्मों का मूल सच्चाई है, सारे धर्मों का मूल भलाई है। जनता अवाम की भलाई हो, अवाम सच्चाई की राह पर चलें, यही हर धर्म का मकसद होता है। मतलब एक तरह से हम कहें कि प्रवचन होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती हैं दीन की दावत। जो भी लोग धर्म की या दीन की दावत देते हैं, हाँ जी जी जी, मतलब इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, जिसको जो दीन की दावत देना का बात पूरी सुन लीजिए, जिसको दीन की दावत देने का शौक़ है, पहले उसको दीन के बारे में जानकारी तो होना चाहिए, उसकी स्टडी तो हो उसके बारे में, तब तो वो सच्चाई और अच्छाई की बात बता सकेगा कि भूखे को खाना खिलाने से क्या सवाब मिलता है, प्यासे को पानी पिलाने से क्या सवाब मिलता है, किसी गरीब मजलूम की मदद करने से क्या पुण्य मिलता है, कितनी मानसिक शांति और हार्दिक शांति। दीन की दावत का कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं है? नहीं, कन्वर्जन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है साहिल, कन्वर्जन से कोई सरोकार नहीं है। पिनाश जी, देखिए दीन की दावत, जैसे कि आपने टॉपिक चुना है, तो दीन की दावत देना तो हर मुसलमान पे फर्ज है। अब जहां तक डॉक्टर सैयद साहब ने कहा है कि अच्छी अच्छी बातें बताना, तो अच्छी बातें क्या है? अच्छी बात इस्लाम के हिसाब से जो मेन बात है वो ये है कि अल्लाह एक है और हज़रत मोहम्मद साहब जो है वो अल्लाह के आखिरी रसूल है। ये बात जो गैर मुस्लिम है इनको पहुंचाना, ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज़ है, ताकि पूरी दुनिया जो है वो अल्लाह के दीन को फॉलो करने लगे, मुसलमान हो जाए। अब इसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक इंसान इंडिविजुअल लेवल पर दीन की दावत दे सकता है, और अगर हम रसूलुल्लाह के ज़माने को देखें और रसूलुल्लाह और सहाबा का अमल अगर हम देखें, तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है। दीन की दावत रसूलुल्लाह जो देने का जो तरीका था, वो आपको मैं एक हदीस से बताता हूँ। अब देखिए, इसमें बड़ी ही एक बात गौर करने वाली है कि रसूलुल्लाह जो एक बार बैठे हुए थे, आप हिकायत व वाकियात सुनाकर हमें नसीहत फरमा रहे थे, कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही, तो आपने फरमाया, अच्छा इस पर गौर करिए, आपने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आपने इसे पूछा, फिर वापस बुलाया और पूछा, क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लोग जाओ, इसे छोड़ दो, क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम हो गया। अब ये तरीका था रसूलुल्लाह का कि भाई हुक एंड क्रुक, सामने वाले को इस्लाम कबूल करवाना है, अगर अच्छे से माने तो ठीक है,
नहीं अच्छे से माने तो उसके ऊपर जबरदस्ती की जाएगी या ऐसा कंडीशन रखा जाएगा कि वो मजबूरी में उसको या तो दीन इस्लाम कबूल करना पड़ेगा या तो फिर जिजिया देना पड़ेगा या तो फिर जंग के लिए रेडी होना पड़ेगा। तो ये तरीका रहा है इस्लाम का दीन की दावत देने का। पाकिस्तान से एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के एडम सीकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एडम, आपकी नजर में और आपके मुल्क में दीन की दावत के वाकई में इस्लाम की अच्छी अच्छी बातें बताना होता है या फिर लोगों को इस्लाम की तरफ खींचना, उनका ब्रेन वॉश करना होता है? थैंक यू सो वेरी मच इस मंच के लिए। मुझे अंदाजा नहीं था कि मौलाना साहब इस किस्म का पॉइंट रखेंगे। मुझे क्वाइट फ्रैंकली ज़ाती तौर पे काफ़ी अफसोस हुआ। कुरान सूरह फुज़िलत आयत नंबर 33 बताती है, इस शख्स से बेहतर बात और क्या हो सकेगी जो बुलाए अल्लाह की तरफ और नेक अमल करे। अल्लाह के लिए बुलाना, दावा देना कुरान के ऊपर है, कुरान की बात है। कुरान चैप्टर नंबर 16 जो सूरह अलनहल है उसकी आयत नंबर 125 भी कहती है, तमाम मुसलमानों को आप दावत दीजिए अपने रब की तरफ दानाई और अच्छी नसीहत के साथ और इनसे बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ। ये सूरह अलनहल जो है वो मक्की सूरत है हिजरत से पहले। मैं समझता हूँ कि इंडिया में चूंकि मुसलमान कम है तो वो मक्की आयतों को एटलीस्ट फॉलो कर रहे हैं। हम चलते हैं चैप्टर नंबर 29 सूरह अनकबूत, एक और मक्की आयत है और ये कहती है कि इवन अब अहले किताब से जब बात करो उनको भी बेहतर तरीके से इंसाफ के साथ इस्लाम के ऊपर लेके आओ। तो इंडिया के अंदर चूंकि मेरे मुताबिक मक्कन इस्लाम चल रहा है और अभी जो साहिल ने हदीस दी थी वो मदनी इस्लाम से रिलेटेड है, जब आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना ताकत में आ चुके हुए थे। तो मैं इवन अगर मक्की इस्लाम की तरफ जाऊं तो दीन इस्लाम की तरफ बुलाना और उनको कहना मुसलमान हो जाओ। और एंड में अल्लामिया क्या फरमा रहे हैं सूरह अनकबूत की आयत में, नहनु लहू लिमुस्लिमून, कि हम लोग तो मुस्लिम है, सबमिट है, अल्लाह की तरफ सबमिटर्स है, तुम लोग भी अल्लाह के सबमिटर हो जाओ। कोई भी अच्छा काम एक मुशरिक अगर कर रहा है, एक शिर्क करने वाला कर रहा है, तो कुरान बताता है कि मुशरिक तो जाएंगे ही जहन्नम में, चाहे अच्छे से अच्छा काम ही क्यों ना कर ले। तो अच्छाई की तरफ बुलाने की कोई बनती ही नहीं जब तक आप उन्हें मुसलमान नहीं बनाते। थैंक यू। ठीक है डॉक्टर खुर्रम, आपने जो बात कही साहिल और एडम ने जिन हदीसों का हवाला दिया, चाहे फिर वो मक्की हदीसें हों या मदनी हदीसें हों, वो तो बिल्कुल अलग हैं दोनों चीज़ें। आपके पास कोई ऐसे तर्क है जो इनकी इन हदीसों को झुठला सके, गलत बता सके इनकी जानकारी को? कुरान की आयतें आई थी, हदीस नहीं। अच्छा कुरान की आयत है, माफी चाहूंगी जी, माफी चाहूंगी, कुरान की आयत है। तो क्या ये गलत आयत पढ़ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोग्राम आप करती हैं, पिछली बार भी आपने मुझे बुलाया था और जो कॉन्स्पिरेसी एंटी इस्लामिक होती है उसका ही ये प्रोग्राम बनाया जाता है। बिल्कुल नहीं खुर्रम साहब, बिल्कुल नहीं खुर्रम साहब, एक मिनट खुर्रम साहब, आपने एक आरोप लगाया, सुनिए मेरी बात। अगर ऐसा होता खुर्रम साहब तो शो में सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम होते, आप नहीं बैठे होते। आप मेरे ऊपर कुछ भी आरोप लगाएंगे और मैं सुनूंगी उसे, ये गलत है। मैंने आपको कहा ना कि आप काउंटर कीजिए, आप इन दोनों की पोल खोल के रख दीजिए, ये दोनों झूठे हैं, ये साबित कर दीजिए। आप इतने तजुर्बेकार हैं, आप साबित कर दीजिए ना ये दोनों झूठे हैं, ये गलत इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। आपसे तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों की आंखें खोलें और इनके झूठ का पर्दाफाश करें। मौलाना, जो आर्ग्यूमेंट हम दे रहे हैं, जो दलाइल आपके सामने रख रहे हैं, उसे काउंटर करिए। आया ये दलील सही है, आपने गलत है, को क्या बुलाया है? खुर्रम साहब, आपने मौजू रखा है, उनवान रखा है, सब्जेक्ट रखा है दीन की दावत, है ना? तो दीन की दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती, कोई भी दावत बुरे तरीके से नहीं दी जाती। ये जो व्याख्या करने के लिए आपने साहिल साहब को या फना साहब को या पाकिस्तान का हवाला देकर आपने बिठाला, वो कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, सूरह अनकबूत की आयत, माने कुछ भी बता रहे हैं, आपको भी उसके माने नहीं मालूम? नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं चाहती हूँ आप उनको पूरा प्रमोट कर रही हैं। नहीं बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही हूँ खुर्रम साहब, सुनिए, खुर्रम साहब आप यहाँ किस लिए बैठे हैं? आप इतने तजुर्बेकार हैं, आपको इस्लाम की इतनी जानकारी है, आप इनकी पोल खोलिए ना, आप कहिए ये झूठ पढ़ रहे हैं, आप इनको काउंटर कीजिए। मैं तो चाहती हूँ तहे दिल से, क्यों किसी धर्म को बदनाम करना जिसके चाहने वाले, जिसके लिए, जिसके मानने वाले इतने ज्यादा हैं? अरे भाई गलत बयानी कर रहे हैं वो बताए। ठीक है साहिल, पूछ रहे हैं क्या गलत है बताएं। गलत बयानी कर रहे हैं, उस गलत बयानी को बोलने से नहीं चलेगा ना मौलाना। मौलाना मैं कुछ बोल दूं, अगर गलत बोलूं तो आपको टाइम मिल रहा ना मुझे रिफ्यूट करने का? आपसे बात करूंगा मैं, किसी से बात नहीं करूंगा। और अगर आपने मुझे ट्रॉल करने की कोशिश की तो मैं फिर चला जाऊंगा। नहीं मैं आपको ट्रॉल क्यों करूंगी सर, मेरी बात सुनिए खुर्रम साहब, बता दूं मैं आपको। खुर्रम साहब देखिए, मैं कम से कम मेरी ये खुद की, सुनिए खुर्रम साहब, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। खुर्रम साहब मैं चाहती हूँ, ठीक है खुर्रम साहब, अगले 5 मिनट आप ही बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा। इन दोनों ने जो गलत कुरान की आयत और हदीस की आयत कोट की है ताकि कोई इनकी गलत बातों पर विश्वास ना करे, आप उसका सही तर्जुमा बताएं और आप इन दोनों की पोल खोल दें। अगले 5 मिनट आपके, चाहे तो 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इनके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। ये दोनों आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ। आप बड़े हैं, आपका पूरा सम्मान है। पिनाज जी, हमने जो हवाला दिया है उसी पे जवाब आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, एग्जैक्टली। सूरह फुज़िलत की आयत नंबर 33, सूरह अलनहल की आयत नंबर 125, इन दोनों के बारे में पहले बता दें, फिर हम अनकबूत पे भी चलते हैं। हजरत, ठीक है खुर्रम साहब,
कोई नहीं टोकेगा आपको। अब ये बताइए, मैं कुरान की आयत के बारे में बताऊं कि वो जो पहले मनगढ़ंत उन्होंने हदीस सुना दी उनके एक-एक करके सबकी पोल खोलिए, एक-एक करके सारा झूठ इनका इनके मुंह पे देकर आप इन्हें जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम साहिल ने जो हदीस पढ़ी थी उसका जवाब ले लेते हैं, फिर एडम सीकर ने जो हवाला दिया था उसका जवाब लूंगी। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 392। वो गलत बयानी, अभी पोल खोलेंगे मौलाना, देखना इनकी गलत बयानी कर रहे हैं। अच्छा, उसका सही तर्जुमा आप कर दीजिए, आप सही तर्जुमा कर दीजिए। अब आइए, जिन्होंने कुरान की, आप सही तर्जुमा कर दीजिए, साहिल ने गलत तर्जुमा करा है ना, तो आप लोगों को बताइए कि उसका सही तर्जुमा गलत कर रहा है ना। सही बुखारी हदीस भाई वो है ही नहीं, इसमें भी यही बात लिखी हुई है। अरे वो बात है ही नहीं जो काल्पनिक करके बताई जा रही है। साहिल आप अल्फाज हदीस पढ़ सकते हैं क्या? फिर भी अल्फाज हदीस पढ़ के बता रहे हैं, उसका सही तर्जुमा कर दीजिएगा अगर ये गलत कह रहे हैं तो। साहिल इनको उर्दू में चाहिए या अरबी में चाहिए मौलाना को? खुर्रम साहब अरबी में पढ़ें कि उर्दू में पढ़ें, पसंद आपकी, जिसमें भी पढ़ना पड़े पढ़ लीजिए अपनी मर्जी। ठीक है, उर्दू में पढ़ देता हूं ताकि लोगों को भी समझ में आए। देखिए, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3929 बिल्कुल सही हदीस है। औस कहते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे और आप हिकायत व वाकियात सुनाकर नसीहत फरमा रहे थे कि इतने में एक शख्स हाजिर हुआ और इसने आपके कान में कुछ बातें कही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसे ले जाकर कत्ल कर दो। जब वो जाने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फिर वापस बुलाया और पूछा क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हो? इसने अर्ज किया जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग जाओ इसे छोड़ दो क्योंकि मुझे लोगों से लड़ाई करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे। जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो अब इनका खून और माल मुझ पर हराम होगा। यह है पूरी इबारत। उसाफ साहब, डॉक्टर खुर्रम, मौलाना पोल खोलो इनकी, बिल्कुल नहीं। अब बीच में कोई बोलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। सुनन इब्ने माजा में ये ऐसी कोई हदीस नहीं है, ये मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत बोल रहे हैं, उसके माने ये नहीं है। माना सुनन इब्ने माजा में आपके सामने पेश कर दूंगा, बात पूरी सुन लीजिए, बात खत्म हो गई बात। ये बारी 3929। दूसरी बात सूरह नहल सूरह अनकबूत का जो उन्होंने हवाला दिया है उसके बारे में सीधी सीधी एक बात समझ लीजिए। कुरान हकीम कुरान मजीद जो शुरू होता है वो सूरह फातिहा से शुरू होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। माशाल्लाह, हर मखलूक उस का रब है परवरदिगार। अब इसमें हिंदू मुस्लिम का भेद खड़ा करना और कुरान पे उंगली उठाना और हदीस पे उंगली उठाना और मनगढ़ंत बातें करना, आप करते रहिए, आपकी मर्जी है, पर सच तो सच रहेगा ना। ठीक है, हदीसों से भी जान छुड़ा रहे हैं ना। एक मिनट, आदम की भी बात सुन लेते हैं। आदम, आपने खुर्रम साहब ने साहिल की बातों के जवाब दिए, आप अपनी बात रखें। जी 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 जी, मैं मौलाना बड़े अच्छे मौलाना है। सातवीं सूरत को सूरह नंबर एक कह रहे हैं, रेवलेशन के मुताबिक सातवीं है। नहीं, मैंने दोनों का जवाब दे दिया। पहले कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नीचे क्यों नहीं आए? वर्स नंबर 6, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधी हिदायत बख्शना, सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उन लोगों की राह रास्ता जिस पे तेरा इनाम हुआ है उनका नहीं जिन पे तूने अज़ाब नाज़िल किया है। कौन सी तफ़सीर खोलूं, कौन सा असबाब नज़ूल खोलूं जो बताए कि अज़ाब वाले लोग कौन है? अज़ाब वाले लोग वो हैं जो मुनाफिक हैं, जो मुशरिक हैं, जो काफिर हैं, जो अहले किताब भी हैं, वो सब के सब वो है जिन पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो रहा है। आप लोग 17 बार अगर सिर्फ फर्ज नमाज ही पढ़ो तो ये वाली आयत पढ़ती हो, तमाम नॉन मुस्लिमों पे अज़ाब है अल्लाह का, ये आयत ये कह रही है। जो सूरत आपने खोली है वो बता रहा हूँ। आपने सूरह फुज़िलत की आयत नंबर 33 नहीं पढ़ी, आपने सूरह अल-इन्आम की आयत नंबर 125 नहीं पढ़ी, आप यहाँ पे माने ये नहीं है जो आप बता रहे हैं। आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। गुनाहगारों के लिए, गुनाहगार कोई भी हो, गुनाहगारों के लिए ए अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। और ये जो चैनल पे आप प्रोग्राम करते हैं ये शायद अपना प्रचार करने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, मनमाने तरीके से ट्रांसलेशन करने के लिए किया जाता है। आप करते रहिए ट्रांसलेशन। खुर्रम साहब मुझे एक बात बताइए, आप सही ट्रांसलेशन कर दीजिए ना, ये दोनों गलत कर रहे हैं, आप सही करेंगे ट्रांसलेशन?
अच्छा पिनाज जी, मेरी मेरा एक बात आप ले लीजिए पिनाज जी, इनसे पूछिए कि इतने सालों से जो डॉक्टर जाकिर नायक अरे वो भाग रहा है, इतने लोग हैं जिन्होंने स्टेजे लगा लगा के गैर मुसलमानों को मुसलमान बनाया है, आप मौलाना के मुंह मुबारक से निकलवा दीजिए कि जाकिर नायक और इनके जैसे कई मौलाना जो तबलीग वाले हैं ये सब गलत काम कर रहे थे। खुर्रम साहब, किसी को इस्लाम में बुलाने की दावत अल्लाह नहीं देता। आप तो शायद शो छोड़ के जा रहे हैं। खुर्रम साहब भाग गए। और एक्स मुस्लिम एडम सीकर की बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं। उनका कहना है कि कुरान और हदीस का हवाला दिया नहीं, वो कह रहे हैं आप गलत तर्जुमा करते हैं, मुझे तो वो तर्जुमा समझ में नहीं आता है, लेकिन आप लोग गलत तर्जुमा करके इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, प्रोपगेट कर रहे हैं और अपने लिए यूट्यूब फॉलोअर्स खरीद रहे हैं, अपने लिए अपने फॉलोअर्स इकट्ठा कर रहे हैं, ये आरोप लगा के गए हैं। प्रॉब्लम इज अगर मैं कहूं कि आप गलत कह रही हैं और मैं आपको 100 दफा कहूं आप गलत कह रही हैं लेकिन ये ना बताऊं कि आपने गलत क्या कहा है तो आई एम अ स्टूपिड इडियट, दैट्स हाउ इट इज। आपने ये बताना है कि हमने गलत क्या कहा है। मैंने तो ये भी नहीं कहा खाली ट्रांसलेशन पे जाओ, मैंने मौलाना जी को कहा है कि किस तफसीर पे जाऊं, किस असबाबुल नज़ूल पे जाऊं। मैं जाता हूं आपके साथ। कुरान क्लियरली कहता है कि हर गुनाह अल्लाह माफ कर देगा, शिर्क माफ नहीं करेगा, मुशरिक ने जहन्नम में ही जाना है, फुल स्टॉप। नहीं ठीक है, मैं नहीं कहता। लेकिन एडम, क्या कुरान ऐसा कहता है कि भाई एक मुसलमान दीन की दावत दे और अपने दोस्तों को, अपने आसपास के वो लोग जो लोग दूसरे धर्मों को मानते हैं, उन्हें इस्लाम की अच्छी बातें बताकर, इस्लाम का पाठ पढ़ाकर, इस्लाम के प्रति उनकी मोहब्बत जगाए और फिर उनका कन्वर्जन कराए? क्या ऐसा कहते डॉक्टर जाकिर नायक क्या कर रहे थे? पिनाज जी, डॉक्टर जाकिर नायक क्या कर रहे हैं? इंडिविजुअल क्या कर रहा है साहिल, उसमें हम नहीं जाएंगे, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। आप जो कर रहे हैं, एडम जो कर रहे हैं, कोई और जो कर रहा है, सब अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहूंगी यहाँ पर मैं किसी भी चीज को गलत, देखिए एक शख्स गलत हो सकता है, एक चीज की नीयत गलत हो सकती है, इसीलिए मेरे शो का नाम ये है क्या कहता है इस्लाम, क्या इस्लाम में ऐसी प्रीचिंग है या नहीं? उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा, उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, ये हवाला दिया था एडम ने। अब जब कुरान ने साफ साफ लिखा है, आप दावत दीजिए, इसका तर्जमा है आप दावत दीजिए अपने रब के रास्ते की तरफ, अल्लाह के रास्ते की तरफ, दानाई और अच्छाई के साथ। मैंने उन्हें ये नहीं कहा आप तलवार के जून पे लेके आना है, ये मक्की आयतें दे रहा हूं अभी उन्हें, मदनी तो दी नहीं, वो तो पहले ही भाग गए कि हम दावत नहीं दे रहे, तो मैं मदनी आयतें कैसे दूंगा, मैं मक्की दे रहा हूं अच्छाई के साथ। हाँ, इनके साथ बहस कीजिए अच्छे तरीके के साथ, ये जिस वक्त हुजूर ताकत में नहीं है, अभी मैं वो दे रहा हूँ आयतें, आपका रब खूब वाकिफ है इनसे जो इसके रास्ते से भटक गए हैं। किसके रास्ते से? अल्लाह के रास्ते से भटक गए हैं, दीन इस्लाम के रास्ते से भटक गए हैं, और वो खूब जानता है इनको जो राह रास्त पर भी है, जो कि अच्छी राह पे है। और ये मैंने ट्रांसलेशन पर यह बयान कुरान डॉक्टर इसरार अहमद साहब की, जिसको इंडिया में बहुत शुगर कोटेड डॉक्टर कहा जाता है, जिनकी ट्रांसलेशन बहुत शुगर कोटेड होती है। तो ये सूरह अनकबूत, सॉरी सूरह फुज़िलत की आयत नंबर 33 भी पढ़ दे मेरे प्यारे भाई, ताकि लोगों को कुछ वो ना रह जाए। अब भी पढ़ देते हैं सूरह नंबर 33 है ना? जी जी, सूरह 43 आयत नंबर 33 आई थिंक, लेट मी ओपन दैट एज वेल। तो यहां पे भी अगर आप देखते हैं तो वहां पे भी है, अभी तो बस चैप्टर 41, सॉरी सूरह फुज़िलत इज 41 आयत नंबर 33। अगर आप भी पढ़ देते हैं मदनी हिजरत के बाद वाली, जब हुजूर को ताकत आ गई, चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 तक तो गया ही नहीं, अभी अगर उधर चले जाते पढ़ देता हूं मैं एडम जी, सर पढ़ देता हूं। ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين, کیا کہتی ہے اور اس شخص سے بات کا سوری اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور وہ نیک عمل کرے اور کہے میں مسلمان ہوں, کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی طرف, اسلام کی طرف, مسلمان ہونے کی طرف, اور لوگوں کہے میں مسلمان ہوں, میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں۔ اللہ میاں قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ اس شخص سے بہتر شخص کون ہوگا, یعنی امیجن دیٹ, اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں, آپ کو دعوی اسلام دینے سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں آپ, اور مولانا جی کہہ گئے ہمیں کہ دعوی دینی ہی نہیں اسلام کی۔ میں I was shocked, quite frankly it was a shocking answer from him. آدم اور ساحل, ابھی ہمارے پاس کوئی بھی, دیکھیں آپ کے اپنے ترک ہیں کیونکہ آپ اسلام چھوڑ چکے ہیں, تو آپ کی اپنی اس دھرم کو لے کر اپنی سوچ ہو سکتی ہے, اپنی وجہ ہو سکتی ہے, اور اسی لیے شاید آپ نے وہ دھرم چھوڑا بھی ہے, لیکن یقیناً اسلام کو ماننے والوں کی, اس کو پسند کرنے والوں کی, اس کا سمان کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے دنیا میں, اور جب تک आपका काउंटर करने के लिए मेरे पास कोई भी इस्लाम के जानकार स्कॉलर मौजूद नहीं होंगे, मैं इस शो को अभी मुझे यहां खत्म करना होगा। जी, जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं, आप खुद सोचिए कि हम हवाले के साथ बात कर रहे हैं और मौलाना के पास कोई जवाब नहीं है, बल्कि वो उठ के चले जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वजह है, कुछ तो रीजन है कि उठ के चले जा रहे हैं। अगर मैं इतना साफ सुथरा हूं और कोई मेरे ऊपर इल्जाम लगाए तो मैं तो अपनी जान लगा दूं अपने आप को सही साबित करने के लिए, लेकिन उठ के अगर मैं चले जाऊं तो कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। ठीक है आदम और साहिल, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आप लोगों के साथ दोबारा कनेक्ट होती हूँ। हमारे एक और मौलाना को हमने बतौर मेहमान बुलाया है, अगर वो जुड़ते हैं साथ तो मैं चाहूंगी कि आप जो बोले उनके ऊपर जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी हम सुने, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, मैं उन्हें बार बार यही कहती हूँ।
तो दोस्तों ये डिबेट आपने देखी, और जो साहिल भाई ने जो सबसे लास्ट में जो पॉइंट बोला वो एक हाइलाइटेड पॉइंट है। उस पॉइंट में साहिल भाई ने कहा कि हमने हवाला भी दिया, रेफरेंसेस भी दिए, और ये भी बोला कि इसका तर्जुमा हम नहीं करेंगे, आप कर दीजिए। लेकिन मौलाना जो है वो उठ उठ के जा रहे हैं, जितनी भी डिबेट हो रही हैं मौलाना छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ दाल में काला है, या पूरी दाल ही काली है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि जो मौलाना डिफेंड नहीं कर पा रहे। देखो इस्लाम, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताऊं, आपने भी जो है ये वीडियो देखा जो मेरे पीछे चल रहा है, ये वीडियो आपने भी देखा, भी मैंने पूरा वीडियो दिखाया आपको अनकट, ठीक है। अब इसमें आपको क्या समझ में आता है कि इस्लाम क्या है? देखो, जो ला इला इल्लल्ला बोले और मौला इला इल्लल्ला जो मानता है और मोहम्मद रसूल अल्लाह जो मानता है वो मुसलमान है एज पर कुरान, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट ये है कि वो शख्स जो इस्लाम पे ईमान रखता है उसे दीन की दावत देनी है, जो इस वीडियो से हमें भी समझ में आया है कि उस शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किस शख्स की? जो ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह मानता है, उस शख्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किसको, नॉन मुस्लिम्स को दीन की दावत दे। और अगर कोई दीन की दावत जिसको भी दी जाती है वो अगर उस दीन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो अल्लाह की नज़र में इनफिडल ही रहेगा, और काफिर जो हैं वो सदा के लिए जहन्नम ही जाएंगे। हमने आज तक की डिबेट से ये चीज़ सुनी है, समझी है। अब मेरी जो है ना, वो मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं अल्लाह जो हैं उनसे पूछता हूँ, अगर अल्लाह वाकई में दुनिया को बनाने वाले हैं इस दुनिया के, मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई हमारा क्या कसूर था, हमारा क्या कसूर हो, उन लोगों का क्या कसूर है जो जो मुसलमान घर में पैदा नहीं हुए, उन लोगों का क्या कसूर था, आप क्यों उनको मारने की आज्ञा दे रहे हो कुरान की किताब के अकॉर्डिंग? क्योंकि ये कहते हैं कि कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने कहा हुआ है, अल्लाह ने खुद कहा है, जो 9:5 है उसमें भी कहा हुआ है कि मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो। तो मुशरिकों का गुनाह सिर्फ क्या इतना ही है कि उन्होंने जो नॉन मुस्लिम्स के घर में पैदा हुए, या उनकी अपनी एक एजम्पशंस है, उनकी अपनी एक राय है, उनकी अपनी एक मान्यता है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, वो फ्रीडम से सोचते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, फिर भी वो इनफिडल ही रहेंगे। ये कौन सा कानून हो गया? मैं तो अल्लाह से पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह मेरे को सुन रहा है तो मुसलमानों के ज़रिए से अगर सुनता है तो उनके ज़रिए से मेरी बात अल्लाह तक पहुंचा दी जाए, जो भी सुन रहा है मोमिन, मेरी बात अल्लाह तक ये पहुंचा दी जाए कि भैया हमने क्या बिगाड़ा है काफिरों ने, जो नॉन मुस्लिम्स हैं जितने भी हैं, जितने भी हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं इस दुनिया में, जिनको आप काफिर बोलते हो, क्योंकि जो ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह नहीं बोलता है या नहीं मानता है वो काफिर है, तो उनका क्या कसूर है? सिर्फ यही कसूर है कि उन्होंने ये नहीं बोला, या उनका ये कसूर है कि उन्होंने अपनी समझ के हिसाब से गॉड और भगवान को समझा? क्या उनका इतना ही कसूर है? एक अगर नॉन मुस्लिम अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं करता है, ईमानदारी से चलता है, जैसा कि धर्म की डेफिनेशन आती है, धृति क्षमा दमोरस्त्य शोचम इंद्री निर्गृहम द्रिविद्या सत्यम क्रोधो दस्कम धर्म लक्षणम, जो झूठ नहीं बोलता है, जो चोरी नहीं करता है, जो हमेशा सच बोलता है, जो अपने आसपास अपनी शरीर की अपने आसपास की सफाई रखता है, सोचम इंद्री निर्गृहम अपनी इंद्रियों को बस में रखता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनको अपने बस में रखता है, जो विद्यार्जित करने की कोशिश करता रहता है, जो बिना मतलब के क्रोध नहीं करता है, ये जो 10 चीज़ें बताई गई हैं इस धर्म की डेफिनेशन में, धर्म का मतलब होता है धारण करने योग्य, धर्म मानवता का एक ही होता है और धर्म जो है बहुत सारे नहीं होते हैं, अगर जो इन चीज़ों को मानकर अपना जीवन जी रहा है उसका क्या कसूर है कि वो सिर्फ सत्य की राह पर चल रहा है, वो सच को उजागर कर रहा है, यही उसका कसूर है? क्या सिर्फ मुसलमान हो जाना, मुसलमान होकर आप 100 झूठ भी बोलोगे तो वो भी मान लिए जाएंगे, तब भी उनको जन्नत ही मिलेगी? अगर वाकई में ये जन्नत और जहन्नम का कंसेप्ट है, ये सीरियस इशू है, मजाक नहीं है। पूरी दुनिया में ना जाने कितने इस वजह से कत्लेआम हो चुके हैं, आप सबको पता है, हिस्ट्री इस बात की गवाह है। तो छोटा क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा है ना, इसको समझो,
इसको समझने की ज़रूरत है। हम भी समझ रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम साहिल या एडम की साइड हैं और हम मोमिनों की साइड नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम न्यूट्रल हैं, हम बीच में हैं। अभी हमें समझ ही नहीं आ रही है वे भाई क्या है भाई, समझाए तो सही कोई। ये मौलाना अगर ऐसे डिबेट से उठ उठ के जाएंगे तो कौन समझाएगा, कौन आएगा समझाने के लिए, कौन बताएगा दीन की दावत ये देंगे जब किताब में जो लिखी हुई बात जो बोली जाती है तो कहते हैं आप बदनाम कर रहे हो। ऐसे काम नहीं चलने वाला है। इसका कोई ना कोई सोल्यूशन इन मौलानाओं को निकालना पड़ेगा। आप भारत में हैं, बहुत ही बढ़िया हमारे भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, यहाँ पर डिबेट कल्चर है, डिबेट कल्चर जो है रहना चाहिए। और मैं कहता हूँ आप एक मेरे को कमेंट अभी पीछे आया कि भैया सनातन धर्म में भी बहुत सी बुराइयाँ हैं। मैं ये मानता हूँ समाज की बुराइयाँ हैं, धर्म की बुराइयाँ नहीं होती हैं। धर्म जो है वो सही चीज़ की तरफ ही ले जाता है, अधर्म जो है वो आपको गलत चीज़ की तरफ ले जाता है। जब आप बोलते हो ना धर्म की बुराइयाँ तो आप एक तरह से वहीं पे गलत बोल देते हो, क्योंकि धर्म अपने आप में एक सही चीज़ है। धर्म कभी गलत हो ही नहीं सकता। धर्म को समझ आप गलत सकते हो, धर्म कभी गलत नहीं होता है। जो व्हाट इज़ राइट, जो सही है, जब एक सही चीज़ पे सही वक्त पे जो आप डिसीजन लेते हो वो होता है सही चीज़, उसको बोलता है ये दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल राइट थिंग, दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल राइट थिंग, वो होता है धर्म। जो गलत है वो गलत है, वो शुरू में भी गलत था, आज भी गलत है और एंड में भी गलत ही होगा। सनातन धर्म के ऊपर क्या क्वेश्चन उठाओगे आप? आप बोलते हो सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं किया जाता है, किस बिना पर कहते हो? जिस सनातन धर्म में हम जो माता है, दुर्गा माता है, काली माता है, भगवान की तरह पूजते हैं, अर्धनारेश्वर का रूप होता है, शिव भी जिनके पैरों में लेट गए थे, शिव कौन है समझो इस चीज़ को। जिस धर्म में कन्याओं की पूजा होती है, जब दुर्गा होती है, तब मंदिरों में ये ही लोग होते हैं जो फसाद फैलाने वाले लोग हैं, जो मंदिरों में मांस तक फेंकते हैं गाय का। जो सनातन धर्म में जो लोग अगर जो वेजिटेरियन हैं उनको उनको उनके उनको कुरेद कुरेद के निकालते हैं, अरे तुम्हारे धर्म में तो मांस खाना लिखा, अरे तुम्हारे ऋषि मुनि तो मांस खाते थे। अरे भाई खाते होंगे, हमें क्या मतलब, मुझे क्या मतलब, एक सनातनी को क्या मतलब, ऋषि कोई खाता था खाने दे उस ऋषि को, उस ऋषि से थोड़ी मेरी जिंदगी चल रही है। एक ऋषि किसी ज़माने में अगर खाता था, किसी किताब में लिखा है, मुझे उससे क्या मतलब। मैं एक सनातनी हूँ और मेरा ये कर्तव्य है, व्हाट इज़ राइट, मुझे सही चीज़ करनी है, एक जीव मात्र के लिए मुझे सोचना है। कोई ऋषि मांस खाता था, खाता रहे, तू भी खा। ये चीज़ समझने की जिस दिन ज़रूरत पड़ गई, आपको समझ आ गई ना चीज़, उस दिन आप समझो कि सारी चीज़ें हो जाएंगी। हम जब दुर्गा माता और काली माता की पूजा करते हो तब आप जैसे लोग ही बोलते हैं, उनको सिगरेट पिलाते हैं, बोलते हैं काली माता सिगरेट पीती है, तुम्हें पता भी है काली माता कौन है? जिस दिन भूकंप आता है, या आपने देखा होगा उत्तराखंड में, उत्तराखंड नहीं, जो अपना केदारनाथ में जो हुआ थी, त्रासदी हुई थी, क्या था वो क्या विकराल रूप धारण करके आई थी प्रकृति, जो पूरे प्रलय की तरह पानी में सब कुछ बहा के ले गई, वो क्या चीज़ थी? वही थी, काली का रुद्र रूप था वो। वो होता है काली का रूप, जब प्रकृति को गुस्सा आता है और प्रकृति के साथ आप छेड़खानी करते हो, जगह जगह से पहाड़ों को काट काट के सड़कें निकाल देते हो, तब बादल फटते हैं, एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं और उस सैलाब में ना जाने कितने सुंब दानव जो है बह जाते हैं। जब प्रकृति अपना प्रकोप करती है तो वो ये नहीं देखती है, ये मेरा नाम जपता है, कि नाम जपने से भगवान को कोई फर्क पड़ता नहीं है। आप पूजा कर रहे हो अपने लिए, उस परमपिता परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पूजा करो या ना करो, ये आपरे अपने मन की शांति के लिए होती है चीज़। भगवान कभी भी आपसे पूजा की मांग नहीं करता है। किसी भी हिंदू भगवान ने कभी बोला कि मेरी पूजा करो? आप मेरे को बता दो कि कहीं पे किसी ने बोला? जो शिक्षा है हमारी, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, और हमारी जो सनातन धर्म है वो किताबों से नहीं चलता। हाँ, किताबें बनाई ज़रूर गई हैं, लेकिन वो किसने बनाई हैं? हमारे तुम्हारे जैसे लोगों ने। अगर किसी ने ज्ञान ले लिया और ज्ञान को लिख लिया, जैसे शंकराचार्य ने कुछ लिख दिया, आदि शंकराचार्य ने कुछ लिख दिया, ठीक है, माधवाचार्य ने कुछ लिख दिया पुराने ज़माने में, या तुलसीदास ने कुछ लिख दिया, तो तुलसीदास कोई भगवान कोई पैगंबर थोड़ी है, वो आपकी और मेरी तरह ही है। उसने अगर कोई चीज़ गलत लिख दी तो हम मान लेंगे क्या? इसको सनातन धर्म समझते हो क्या आप? मैं उन लोगों से कह रहा हूँ जो ये कहते हैं कि सनातन धर्म में महिलाओं का सम्मान नहीं होता। अरे यही एक धर्म है जहाँ पर कन्या पूजन होती है,
फिर आप बोलते हो कहीं से कोई खबर लेके आते हो, अरे वो देखो फलानी जगह तो इसने तो भ्रूण हत्या कर दी, यही चीज यही बोलते हो ना आप लोग, यही सब चीजें बोलते हो ना। तो वो एक समाज की बुराई है, धर्म नहीं कह रहा है वो करो, धर्म कह रहा है किसी भी जो बेजुबान जीव है उसकी हत्या मत करो, वो धर्म कह रहा है। वो किसी किताब में आपने गलत लिख के दिखा देते हैं, ये देखो जी तुम्हारे वेद में ये लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा बोलते हैं ये। अभी सत्य के दर्शन ये चैनल और ये झंडू जर्नी साई चरनी यही तो कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से प्रिंटेड बुक ले लेके लोगों को दिखा के बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे हमसे बात करो ना, हम बताएंगे ना उन्हें कि सनातन धर्म क्या है, हमसे बात करो। किताबें नहीं होती हैं, किताबों से सनातन धर्म चलता ही नहीं है, मैं भी ये किताब लिख दूंगा तो मान लोगे? तो दोस्तों सनातन धर्म का ना को तो कोई पैगंबर है ना इसकी बनाया किसने है ये भी नहीं पता है आज तक, किसने सनातन धर्म की शुरुआत करी। ये एक मानवता का धर्म है, यहाँ पर लोगों को क्वेश्चन करने का अधिकार होता है। हम अपने पंडित पुजारी को भी क्वेश्चन कर सकते हैं और जो मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ रखी हैं हम उनको भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बट दैट डजेंट मीन कि आप किसी की उसको बिना मतलब के बेइज्जत करो। हमें पता है गणेश कौन है, हमें पता है शिव कौन है, हमें उसकी उसका उसका मूल अर्थ पता है, हमें पता है ब्रह्मा कोई ह्यूमन फॉर्म में नहीं है, हमें पता है सरस्वती कोई ह्यूमन फॉर्म में नहीं है। सरस्वती विद्या की देवी को कहा जाता है। जब भी आप ज्ञान लेने जल जाते हो तो आप उस ज्ञान को उस विद्या को एक माता की तरह पूजते हो। जब कोई संगीत सीखता है तो वो सरस्वती माता की हाथ जोड़ता है कि ये एक कला है जो मुझे आ जाए। वो अदृश्य है, वो दिखती नहीं है, लेकिन अब आप उसको चित्र बनाकर एक स्त्री का रूप दे देते हो तो वो आपकी अपनी एक मान्यता हो जाती है। वो सच में नहीं है लक्ष्मी माता, पैसे की देवी, समझ गए? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है लेकिन मैंने बहुत ही चीज़ें बताई आज। कुछ मैंने कमेंट पढ़े ऐसे, मुझे फ्रस्ट्रेटेड लगे, मतलब मेरा फ्रस्ट्रेशन तो हो ही जाता है ऐसी चीज़ों को सुन के, क्योंकि लोगों को ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। वो सनातन धर्म को वैसे ही समझते हैं जैसे कि अब वो इस्लाम को या किसी दूसरे रिलीजन को समझते हैं। सनातन धर्म है, रिलीजन नहीं है। बाकी सब रिलीजन है, मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, ये नहीं है रिलीजन। इसको बनाने वाला ही कोई नहीं है, ये कोई दावेदार ही नहीं है, ठीक है? और इसमें लोगों ने राम को बनाया है, राम ने लोगों को नहीं बनाया है। लोगों ने राम को समझा और पहचाना कि हाँ ये राम है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है। यहाँ पर अगर आप जनता के लिए अच्छे काम करोगे तो जनता आपको भगवान भी बना देती है। ये है सनातन धर्म, यहाँ पर भगवान जनता को नहीं बनाता, जनता भगवान बनाती है। यहाँ कोई एक दावेदार नहीं होता जो तलवार के दम पे लोगों को पीट पीट कर बोलेगा नहीं भाई तुम ये बन जाओ, नहीं बनोगे तो मैं तुम्हारा ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी और जिनको जानकारी मिली है, नॉलेज देखो कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और लर्निंग हमेशा रहनी चाहिए, सीकर की तरह देखोगे, इसलिए ये एडम सीकर और ये वीडियो लेके आया था मैं। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आई होंगी। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मुझे अगर उसको पढ़ूंगा मैं, अगर अब वो रेलेवेंट रहा तो विल नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।